Clash of Clans. ये तो कहते हैं लेट्स किल में, वो आपका फेवरेट यूट्यूबर विमल इलायची। तो भाई हमारा इंडिपेंडेंस डे आ रहा है बहुत ही जल्दी, तो इंडिपेंडेंस डे के ऊपर हम लोग क्या करने वाले? तो भाई बहुत बड़ी चीज करने वाले, हम लोग एक ट्रोजन वॉर करने वाले हैं टाउन हॉल 9 वर्सेस 9 की, जहां पे दोनों क्लैंस में 50-50 लोग हो गए एंड हम लोग इस बार करने वाले हैं एक न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। अगर हम लोग 268 स्टार से ज्यादा स्टार्स कर लेते हैं लास्ट के 10 मिनट में तो हम लोग एक न्यू रिकॉर्ड तो वैसे ही बना लेंगे, लेकिन हमारा मेन मोटो ये रहने वाला है कि हम लोगों को 10 मिनट में 300 स्टार्स करने हैं, मतलब इस क्लैन से 150 स्टार्स और इस क्लैन से 150, तो दोनों मिला के लास्ट के 10 मिनट में जब 50 के 50 लोग अटैक करेंगे वही 10 मिनट में जो स्टार काउंट होगा वो हम लोगों को 300 करना है। मींस 10 मिनट में दोनों क्लैन के प्लेयर अटैक करेंगे, मींस 100 प्लेयर दोनों क्लैन में ऑनलाइन रहेंगे, दोनों लोग अटैक करेंगे दोनों क्लैन के प्लेयर्स एंड उसी टाइम पे लास्ट के आखिरी 10 मिनट में 300 स्टार करने और बनाना एक न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो भाई ये चीज हमारे इंडिया के नाम के ऊपर करनी है हम लोगों को, तो भाई ये इवेंट हम लोग करने वाले 15 अगस्त के दिन। तो इस इवेंट की सारी जानकारी आप लोगों को IGTV वीडियो पे मिल जाएगी, IGTV की वीडियो की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड डायरेक्टली आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके भी चेकआउट कर सकते हो डिटेल्स, ओनली टाउन हॉल 9, सिर्फ टाउन हॉल 9 मैक्स प्लस 25 प्लस हीरोज, तो भाई वहां पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, क्लैन कब ज्वाइन करना है, क्या करना है, कैसे करना है, सारी सारी डिटेल्स आप लोगों को वहां पे मिल जाएगी IGTV वीडियो पे। तो इंस्टाग्राम का ऊपर है वहां पे आईडी, तो आप वहां पे जाके फॉलो कर सकते हो क्योंकि हम लोग वहां पे बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारी वॉर लगी है एक क्लैन के साथ, WCL की एक लीग वॉर है, टूर्नामेंट की वॉर है एंड हमारे ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होने वाली है टूर्नामेंट, क्योंकि पुणे फाइटर के हम ही एक शायद ओल्ड प्लेयर है, बाकी सब न्यू प्लेयर्स आ चुके हैं, मीन्स जो न्यू रिक्रूटमेंट हुई थी टाउन हॉल 13 की वहां से न्यू प्लेयर्स भी टूर्नामेंट खेल रहे, तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होने वाला है इस वॉर में। तो हम लोग कुछ भी करके हमारे आज दोनों के दोनों अटैक्स खत्म करने पड़ेंगे अच्छे, 3 स्टार नहीं तो कम से कम 90% 95% 2 स्टार तो हम लोग कर ही सकते हैं। तो आज हम लोग हमारे दोनों अटैक्स, टूर्नामेंट की वॉर है, टूर्नामेंट में आज हम लोग हमारे दोनों अटैक्स करने वाले हैं। एम तो रहने वाला है कि भाई 6 पैक निकालें, मतलब दोनों 3-3 स्टार अटैक कर ले, ये हमारा मेन बेसिक मोटो रहने वाला है। तो देखते हैं अभी क्या होता है आज की वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उसको जल्दी से जाके दबाओ। कितने हो गए भाई सब्सक्राइबर्स, कितने हो गए? 9,33,000, और कितने चाहिए? 67,000 सब्सक्राइबर्स और चाहिए भाई, करो यार। वैसे भी 50% लोग तो बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं, अगर आप लोग भी सब्सक्राइब करोगे तो जल्द से जल्द 1 मिलियन हो जाएंगे भाई। 1 मिलियन करने वाले तो आज अटैक तगड़ा करना ही पड़ेगा हम लोगों को, 2 अटैक्स करने वाले, दोनों लाइव प्लानिंग करेंगे, लाइव अटैक करेंगे, तो भाई जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। एंड आज अगर एक कंडीशन डालते हैं, अगर आज हमारे दोनों अटैक 3 स्टार हो जाते हैं तो आज हम लोग एम करते हैं पहले 24 घंटे के अंदर 30,000 लाइक्स के लिए। मुझे पता है बहुत बड़ा लाइक है, लेकिन ये तभी करना जब हमारे दोनों अटैक 3 स्टार होंगे तब, नहीं तो छोड़ो छोड़ो कुछ नहीं कुछ नहीं। तो गाइस जो हमारा पहला अटैक होने वाला है वो हम लोग करने वाले हैं नंबर 3 के बेस के ऊपर। तो ये रही गाइस हमारी आर्मी, यहाँ पे आर्मी थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि हम लोग यहाँ पे जैप क्वेक के साथ अटैक करने वाले, जैप क्वेक के साथ हम लोग हाइब्रिड यूज करने वाले, थोड़ी अजीब आर्मी है मुझे पता है। तो गाइस बेसिकली हम लोग इस बेस के ऊपर जैप क्वेक कैसे यूज करने वाले, हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे हम लोग डालेंगे 5 लाइटनिंग स्पेल इस वाले वॉल के ऊपर, जिससे कि ये चारों बिल्डिंग्स को डैमेज बैठेगा, 5 यहाँ पे आएंगे हमारे, देन उसके बाद यहाँ पे 2 लाइटनिंग आएंगे इस वॉल के ऊपर, तो इस ये चारों डिफेंसेस यहाँ पे उसका डैमेज होगा लाइटनिंग का, देन उसके बाद जो हमारा अर्थक्वेक रहेगा अर्थक्वेक डालेंगे हम लोग यहाँ पे, जिससे कि टाउन हॉल एक्टिवेट ना हो, लेकिन ये आर्चर टावर मिले इसको डैमेज बैठे, इसको बैठे, इसको बैठे, इसको बैठे और इसको बैठे, तो यहाँ से हम लोगों को एक स्कैटर मिल जाएगा, एक एक्सबो मिल जाएगा, आर्चर टावर मिल जाएगा, ये वाला आर्चर टावर मिल जाएगा, सीसी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे ये जो 2 है, ये वाला एक्सबो एंड ये वाला स्कैटर, ये दोनों बच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे हम लोग एक आइस गोलम, यहाँ पे एक आइस गोलम, यहाँ पे एक विजेट डालेंगे फनलिंग के लिए, देन उसके बाद हमारा बार्बेरियन यहाँ पे एक सुपर वॉल ब्रेकर डाल देंगे एंड बार्बेरियन किंग इसके ऊपर डालेंगे, तो बार्बेरियन किंग ये फोड़ के यहाँ आएगा एंड डायरेक्ट अंदर घुसेगा, एंड हमारा जो सीज बैरक रहने वाला है वो हम लोग डाल देंगे यहाँ पे, जिससे कि क्वीन मरेगी, मतलब पेक्का आएगा एंड विजेट्स आएंगे, एंड 2 हेड हंटर डाल देंगे किंग के लिए और क्वीन के लिए, तो हमारा जो किंग है वो ये पूरा सेक्शन ले लेगा एंड शायद इस साइड पे आ जाएगा या फिर इस साइड पे, कहीं पे भी आए कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डालने वाले हम लोग हमारी आर्चर क्वीन को, तो आर्चर क्वीन ये फोड़ेगी, ये फोड़ेगी, ये फोड़ेगी एंड डायरेक्ट ऐसे नीचे आएगी हमारी आर्चर क्वीन इस वाले इन्फिर्नो टावर पे, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे एक सुपर वॉल ब्रेकर, तो क्वीन डायरेक्ट अंदर, ठीक है। तो ऊपर का सेक्शन तो हम लोगों ने हमारे किंग के साथ ले लिया और SB के साथ ले लिया, देन उसके बाद हम लोग डायरेक्ट यहाँ से बीच में से स्टार्ट करेंगे हमारा पूरा हाइब्रिड, तो ये होगा गाइज हमारे हाइब्रिड का पाथ बेसिकली, तो ऐसा पाथ होगा हमारे हाइब्रिड का।
एंड पीछे से बुड्ढा और रॉयल चैंपियन को लगा लेंगे सिंपली, तो वो आराम से निकाल लेंगे। तो ये बेसिकली प्लान है जिस बेस के ऊपर थोड़ा बहुत ज़्यादा खिचड़ी हो गई है। चलो देखते हैं ये खिचड़ी कैसे पकी है, अच्छे से पकी है या फिर नहीं। चलो अभी अटैक करते हैं वॉर में। ओके यहाँ पे हम लोग क्वीन डालेंगे, यहाँ पे आएगा हमारा एक बलून, पीछे से आएंगे हमारे सारे के सारे हीलर्स। चलो बहुत सही, यहाँ पे किंग डाउन हो चुका है, क्वीन डाउन हो चुकी है। ओके चलो बहुत सही, क्वीन को यहाँ से निकालने दो बिल्डिंग्स, तो हम लोग वॉल ब्रेकर डाल के क्वीन के लिए रास्ता बना लेंगे। ओके हॉक्स आ चुके, तो एक काम करते हैं यहाँ पे हम लोग को डालना पड़ेगा हाइब्रिड। तो यहाँ पे आएंगे हमारे सारे के सारे माइनर्स, पीछे से बुड्ढा आरसी, पीछे से हमारे हॉग राइडर्स। यहाँ पे डाल देंगे हम लोग हमारी फर्स्ट हिल स्पेल। ओके कम ऑन, टाउन पे शायद फ्रीज डालना पड़ेगा हम लोगों को। ओके एक काम करते हैं यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग हमारा फ्रीज स्पेल। यहाँ पे एबिलिटी देनी पड़ेगी बुड्ढे की, यहाँ पे आ गई एबिलिटी। चलो क्वीन निकाल लीजिए नीचे से। चलो भटक चुके हैं ट्रुप्स, यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग हमारी फाइनल हिल स्पेल। क्या बात है, सारे माइनस हिल स्पेल के अंदर है। यहाँ पे एक मिनियन, यहाँ पे एक आर्चर, आरसी की एबिलिटी बची है, वेट करेंगे एंड अब देंगे एबिलिटी। क्या बात है भाई, चार बिल्डिंग्स फूट गई, क्वीन अभी भी हमारी जिंदा है शायद, पता नहीं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है नीचे की तरफ, लेट्स होप कि हमारा ट्रिपल हो जाए। ओ आरसी मर चुकी है एनिमी की, हमारे माइनस ने मार लिया। क्वीन के पास अभी भी एबिलिटी बची है। ओके चलो बहुत सही, ओपी भाई मजा आ गया। पहला अटैक आज का हमारा हो चुका है 3 स्टार, क्या बात है भाई। अभी हमारा एक और अटैक बचा है जो हम लोग कुछ भी करके 3 स्टार करना ही पड़ेगा, तभी हमारे जीतने के चांसेस होंगे। मतलब ऑफ कोर्स यार जीतने के चांसेस तो हो ही जाएंगे अगर 6 पैक अटैक आ जाता है तो। क्या बात है, क्वीन के पास अभी भी एबिलिटी बची है एंड एक हीलर अभी भी जिंदा है। ना ही हम लोगों ने क्वीन के ऊपर कोई रेज यूज किया, ना ही फ्रीज यूज किया, बस नॉर्मल हीलर्स। एंड ये हो गया गाइज आज का हमारा पहला 3 स्टार अटैक, क्या बात है भाई मजा आ गया। ये हो गया गाइज हमारा 3 स्टार अटैक लाइटनिंग जैप और हाइब्रिड के साथ। तो आते हैं यहाँ पे बैक में, क्या बात है नंबर 3 पे 3 स्टार एंड ये हो चुके हमारे टोटल 74 स्टार्स। अभी हम लोग दूसरा अटैक करने वाले नंबर 2 के ऊपर। धैत तेरी, पिछला अटैक पूरा करप्ट हो गया क्योंकि हम लोगों ने रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं करी थी, थोड़ा लेट रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, लगा कि रिकॉर्डिंग ऑन ही है एंड वैसे ही मैं अटैक करने चला गया। जब देखा नजर पड़ी तब देखा कि रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं करी, तो छोड़ो भाई पिछला अटैक तो हो गया करप्ट, अब क्या कर सकते हैं। अभी आते हैं फिलहाल नंबर 2 के ऊपर, ये रहा हमारे नंबर 2 का बेस। ओके तो ये रहा भाई नंबर 2 का बेस, इसके ऊपर मैं आप लोग प्लान समझा देता हूँ क्या क्या करना है। स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे एक आइस गोलम डालेंगे, बार्बेरियन किंग आएगा हमारा यहाँ पे, तो ऐसा आएगा हमारा बार्बेरियन किंग, ठीक है। एंड इसके ऊपर एक विजेट डाल देंगे ताकि यहाँ पे फनल क्रिएट हो जाए। बार्बेरियन किंग यहाँ पे आने के बाद एबिलिटी देके यहाँ पे एक हेड हंटर डाल देंगे, जिससे कि हमारा बार्बेरियन किंग पूरा ये वाला सेक्शन डाउन कर लेगा। देन उसके बाद यहाँ पे एक जायंट एंड एक हमारे आर्चर क्वीन, तो आर्चर क्वीन हमारी ये पूरा सेक्शन यहाँ से डाउन कर लेगी। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ड्रैगन्स, डायरेक्ट ड्रैगन्स आएंगे बीच में ऐसे, एंड जो हमारा बैटल ब्लिंप रहेगा वो डायरेक्ट यहाँ से टाउन के ऊपर आएगा, टाउन पे फूटेगा, एक रेज स्पेल आएगा यहाँ पे एंड टाउनल फूट जाएगा। पहला रेज यहाँ पे, रुको, पहला रेज यहाँ पे, दूसरा रेज यहाँ पे, एंड जो हमारे ड्रैगन्स रहेंगे यहाँ से ये स्कैटर भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, ये वाला स्कैटर भी ले लेंगे, तो बचेगा हमारे पास पीछे वाला सेक्शन। तो पीछे वाले सेक्शन में क्या करेंगे, यहाँ पे एक आइस गोलम आएगा, रॉयल चैंपियन आएगी, तो रॉयल चैंपियन यहाँ से ये 5 डिफेंसेस लेने में कामयाब हो जाएगी। एंड जो हमारे बैटिंग है, हम लोग बैटिंग यहाँ से स्टार्ट कर देंगे इस वाले आचे टावर से। तो यहाँ पे एक फ्रीज आएगा, यहाँ पे एक फ्रीज आएगा, सिंपल। तो बैट्स ऐसे रास्ता फॉलो करेंगे सिंपली, ऐसे वाला रास्ता सिंपल। तो ये बेसिकली सिंपल प्लान है हमारा इस बेस के ऊपर, ड्रैग बैट, लेट्स होप कि 3 स्टार हो जाए। प्लान थोड़ा दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है, दोनों स्कैटर शॉट निकलने चाहिए तभी 3 स्टार होगा। चलो देखते हैं अभी क्या होता है। ओके भाई आर्मी हमारी हो चुकी है ट्रेन, चलो चलते हैं भाई अटैक के लिए, देखते हैं अभी क्या होता है। तो स्टार्टिंग में अब तो हम लोगों को यहाँ पे एक आइस गोलम डालना है, तो एक आइस गोलम आएगा हमारा इस वाले कैन के ऊपर, यहाँ पे डाल देंगे हम लोग एक विजर्ड, यहाँ पे आएगा बार्बेरियन किंग। ओके विजर्ड यहाँ से फनल बना लेगा, चलो बहुत सही जा रहा है हमारा अटैक। यहाँ पे एक जायंट, यहाँ पे आर्चर क्वीन। ओके हेड हंटर डालना पड़ेगा किंग की एबिलिटी देके, कम ऑन बार्बेरियन किंग। चलो क्वीन अच्छे से साफ कर रही है नीचे, किंग ऊपर काम कर रहा है। ओके यहाँ पे आएगी एबिलिटी एंड एक हेड हंटर, यहाँ पे आएगी हमारी क्वीन की एबिलिटी। ओपी भाई मजा आ गया, यहाँ शायद आर्चर क्वीन भी मिल जाएगी एनिमी की, क्या बात है भाई, एनिमी की आर्चर क्वीन भी यहाँ पे डाउन हो चुकी है। तो अभी यहाँ पे ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है, तो 3 बलून्स,
पीछे से आएंगे ड्रैगन्स ड्रैगन्स ड्रैगन्स, पीछे से सारे के सारे बलून्स, पीछे से बुड्ढा आएगा, क्या बात है। ओपी, यहाँ पे बैटल ब्लिंप, यहाँ पे आएगा हमारा फर्स्ट ट्रेड स्पेल, एबिलिटी देंगे 1 2 3 वो, क्या बात है। यहाँ पे टाउन के पास एक और रेड स्पेल डालना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा एक और रेड स्पेल, ओपी भाई मज़ा आ गया। यहाँ पे एक आइस गोलम, पीछे से रॉयल चैंपियन, चलो देखते हैं हमारे ड्रैगन्स कितना निकाल पाते हैं। चलो आरसी अच्छा काम कर रही है यहाँ पे, यहाँ पे बैटिंग ओपी, ये वाला विजिट और बिजी था, तो शायद यहाँ पे फ्रिज की जरूरत पड़ सकती है, वेट करेंगे आरसी निकाल ले, कम ऑन कम ऑन। ओपी भाई मजा आ गया, बस बहुत कम बैट्स बचे, 3 फ्रीज स्पेल बचे हमारे पास एंड एक ही विजिट टावर है, तो अच्छे से डालना पड़ेगा फ्रीज, नहीं तो बैट्स गायब हो सकते हैं। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे एक फ्रीज आएगा ओपी, यहाँ पे एक और फ्रीज, चलो भाई शायद ये ट्रिपल है, शायद ये ट्रिपल है भाई साहब, इसको बोलते असली अटैक, क्या बात है भाई, ये हो चुका है गाइस हमारा 3-स्टार अटैक दूसरा। ओपी भाई मजा आ गया एंड ये एक स्वैग फ्रीज स्पेल डाल देंगे, क्या बात है भाई। 3 ड्रैगन अभी भी हमारे पास बचे हैं एंड बहुत सारे बैट्स भी बचे हैं एंड टाइम भी हमारे पास बहुत ही बचा है, तो ये हो चुका है गाइस हमारा दूसरा 3-स्टार अटैक। जैसे कि कंडीशन रखी थी कि भाई अगर दोनों अटैक 3-स्टार हो जाते हैं तो आप लोग करने पड़ेंगे 30,000 लाइक्स पहले 24 घंटे में, हम लोगों ने किए थे भाई पहले 20 घंटे में 30,000 लाइक्स किए थे, 24 घंटे में आराम से हो जाएंगे। तो ये थी गाइस आज की हमारी दो स्ट्रेटजीज, ड्रैगन बैट और ज़ैपक्विक के साथ हाइब्रिड, क्या बात है भाई, नंबर 2 पे भी 3-स्टार आ गया एंड नंबर 3 पे भी, इसी के साथ टोटल स्कोर 82 स्टार्स हो चुका है एंड यहाँ पे देखेंगे तो भाई साहब नंबर 3 और नंबर 2 पे 6 पैक मतलब 4 ही स्टार्स मिले हैं, लेकिन 3-3 स्टार अटैक हम लोगों ने किया है दोनों बेसिस के ऊपर। तो भाई ये थी आज की हमारी दो अटैक स्ट्रेटजी, ज़ैपक्विक के साथ हाइब्रिड और ड्रैगन बैट अटैक स्ट्रेटजी। तो भाई ये थी आज की हमारी यहाँ पे टूर्नामेंट की वॉर, जहाँ पे हम लोगों ने नंबर 2 और नंबर 3 को तो फोड़ दिया, नंबर 1 भी फूट चुका है, नंबर 5 भी फूट चुका है, नंबर 4 पे कोई ना कोई फोड़ ही लेगा। तो ये थी गाइस आज की हमारी बेसिकली वॉर, जहाँ पे आज हम लोगों ने एक ग्राउंड अटैक किया, दूसरा एयर अटैक किया और दोनों सक्सेसफुली हमारे 3-स्टार अटैक हो चुके। तो आप लोग भी ये स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हो, ज़ैपक्विक तब यूज करना जब बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट डिफेंस, तो ड्रैग बैट तब यूज करना जब पीछे से ज्यादा डिफेंसेस ना हो स्प्लैश डैमेज देने वाले बैट्स को, तब आराम से ड्रैग बैट यूज कर सकते हो। तो ये थी गाइस आज के हमारे दो वॉर अटैक्स, तो बस आज के लिए इतना ही एंड हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ, मैं मिलता हूं आप लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।